हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे नोकिया 105 प्लस यानी कि मॉडल नंबर हो जाता है TA-1447 1447। इसका मॉडल नंबर है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, चार्जिंग लगाने के बाद से डायरेक्टली एक डिस्क्लेमर दे रहा है स्क्रीन पर, बैटरी लोअर टेम्परेचर, रिमूव द चार्जर। दोस्तों, अगर इस तरह का प्रॉब्लम नोकिया के कोई भी कीपैड मोबाइल में आता है, बैटरी लोअर टेम्परेचर रिमूव द चार्जर या फिर बैटरी ओवर टेम्परेचर रिमूव द चार्जर, तो आपको कैसे समाधान करना है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको जानकारी बताने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो मेथड बताने वाले हैं दोस्तों, एकदम आपका 100% वर्किंग है और हर एक नोकिया का कीपैड मोबाइल में ये वर्क कर जाएगा। यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट करे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक जीनियर डायोड होना चाहिए, और वो जीनियर डायोड कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपका मोबाइल फ़ोन शॉप है और साथ ही साथ मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, तो आपके पास एक कीपैड मोबाइल का चार्जर जरूर ही ख़राब आया होगा रिप्लेस के लिए, या फिर पहले से ख़राब पड़ा होगा, तो उसको आपको ओपन करना है और उसमें आप देखें कि एक जीनर डायोड यहाँ पे लगा रहता है। आपको कहीं दोस्तों मार्केट से ख़रीदने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप ख़राब कोई भी चार्जर से भी, कीपैड मोबाइल का चार्जर से भी आप उस जीनर डायोड को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साफ साफ तरीके से आपको दिखाया हुआ चिमटे से जेड यहाँ पे लिखा हो रहता है, यानी समझिए कि यही वाला जीनर डायोड है। आपको सोल्डिंग आयरन के जरिए आसानी से रिमूव कर लेना है जीनर डायोड, और रिमूव करने के बाद से बैटरी कनेक्टर के माइनस पॉइंट और BSI पॉइंट पर आपको इसको जोड़ना है। आपको ध्यान रखना है प्लस पॉइंट पे बिल्कुल भी टचिंग नहीं होना चाहिए बैटरी कनेक्टर के, सिर्फ आपको माइनस पॉइंट और BSI पॉइंट यानी BSI पॉइंट बीच वाला पॉइंट जो रहता है इसको हम लोग BSI पॉइंट कहते हैं। जीनर डायोड में याद रखना है प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट देखिएगा, सिर्फ जिधर से लाल रंग का रहेगा ये प्लस पॉइंट होता है, और माइनस पॉइंट जिधर से ब्लैक साइड में रहता है डायोड में वो माइनस पॉइंट रहता है। चलिए, आपको कनेक्शन कैसे करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। डायोड का प्लस पॉइंट को बैटरी कनेक्टर का BSI पॉइंट पे लगाना है, और जीनर डायोड का माइनस पॉइंट को बैटरी कनेक्टर का माइनस पॉइंट पे लगाना है। इसके बाद से दोस्तों आप देखेंगे कि मोबाइल में चार्जिंग जब आप लगाएंगे तो ये आपका चार्जिंग का प्रॉब्लम जो डिस्क्लेमर आ रहा था बैटरी लोअर टेम्परेचर या फिर बैटरी ओवर टेम्परेचर, ये दोस्तों बिल्कुल दोबारा से नहीं आएगा। ये जो मैंने मेथड बताया हो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नोकिया 105 प्लस TA-1447 यानी कि 1447 मॉडल में ही वर्क करेगा। ये नोकिया का कीपैड मोबाइल कोई भी अगर आपके पास होगा और अगर बैटरी लोअर टेम्परेचर या फिर बैटरी ओवर टेम्परेचर प्रॉब्लम आता है, तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपका ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं एक बार कमेंट करके मुझको जरूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।